भी कुछ मूर्ति बनाई हुई है, ये भी कौन है क्या पता नहीं अपने को। चार नंबर के अंदर पूरा मूर्ति बनाया हुआ है यहाँ पर भी, ये देखिए। और ये उसके बाजू में 15 नंबर के पूरा। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिलहाल संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि मेरे पीछे है एंट्रेंस। तो आपको यहाँ पर आना होगा तो सबसे पहले आपको बोरीवली के रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर यहाँ पर के तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, और बोरीवली के स्टेशन से आपको वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट का, तो वहाँ पर से आपको चल के आना है। तो दोस्तों मैं फिलहाल हूँ गेट पे, तो गेट पे आते ही दोस्तों आपको यहाँ पर साइकिल वाले दिख जाएंगे, देख सकते हो, वो भी एक भाई खड़े हैं वहाँ पर। तो उनके पास से साइकिल लेनी होती है, तो हम लोग अभी जाएंगे, पहले साइकिल लेंगे उनसे। तो आज की इस वाले वीडियो में हमारे साथ है शुभम भाई और दत्ता भाई, तो जाते हैं पहले साइकिल लेते हैं, फिर अभी यहाँ पर से हम अंदर जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए पहले साइकिल लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर साइकिल लेने, देख सकते हैं पीछे मेरे मेमोरेबल बाइसिकल। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर से ले लिए भाई के पास से साइकिल, तो थोड़ा बात करते भाई से। तो देख सकते हैं इनका शॉप अंदर से इस तरीके से, भाई के पास बहुत सारी बाइसिकल्स है। तो अंदर जो है प्राइस 2 आवर्स का 80 रुपीज़ है, भाई ने हमें अभी पूरा 1 से लेके 5 बजे तक दिया है 160 में, बहुत अच्छा रेट है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं भाई, ये सारी रेट से 80 रुपीज़ पर आवर से स्टार्टिंग है। बेसिक साइकिल 80, 120, 150 ऐसी 220 पर आवर तक साइकिल है अपनी। जी तो लेडीज है, बेसिक लेडीज डबल सीट्स के है, उसमें आपको कौन से भी साइकिल्स पे जस्ट यू हैव टू पे 2 आवर्स विल गेट रिमेनिंग आवर्स फ्री टिल 5:30 जब तक पार्क चले। जी ऐसा। तो शुक्रिया भाई थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से, टाइम भी बहुत कम है अपने पास, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों साइकिल लेके आ चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ने साइकिल ले ली है। हम लोग को 160 पर पर्सन मिली है, और पूरा अभी बजे दो से लेकर पूरा शाम तक हम लोग अभी ये साइकिल लेके 160 रुपीज़ पड़ा है हमको, तो बहुत ही अच्छी रेट था भाई का। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं अंदर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एंट्रेंस है, तो अभी भीड़ देख सकते हैं अंदर कितनी हो चुकी है। साइकिल से उतरना पड़ेगा पहले, तो साइकिल से उतरते। तो दोस्तों अंदर आ चुके हैं हम, अभी टिकट लेते हैं पहला। तो देख सकते हैं लाइन लग चुकी है टिकट के लिए, 85 रुपीज़ पर पर्सन है, तो लेते हैं टिकट। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी टिकट ले लिया यहाँ पर से, तो पर पर्सन 85 रुपीज़ है जैसे कि आपको बताया मैंने, और बाइसिकल का एक्स्ट्रा 33 रुपीज़ था, तो वो भी हमारा ऐड करके टोटल कितना हो गया भाई शुभम भाई? 354 हो गया। तो चलिए आपको मैं सबसे पहले यहाँ का मैप बताता हूँ, तो चलिए मैप देखते पहले फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर से मैप है, तो हम लोग अभी यहाँ पर से डायरेक्ट देखने जाएंगे केव, अजंता केव, उसके बाद बाकी का दिखाऊंगा मैं आपको। तो देख सकते हैं ये मैप देख लेना यहाँ पर, तो वो एक मैप मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर एक सामने भी मैप है तो वो भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी दूसरा मैप है, हम लोग फिलहाल यहाँ पर है इस वाले पॉइंट पे। तो अब हम जाने वाले कनेरी केव्स फर्स्ट, तो वहाँ पर जाएंगे, 7 किलोमीटर है यहाँ पर से, तो जाते चलिए चलते, फिर दूसरा आगे का मैं बताऊँगा आपको, चलिए चलते। तो दोस्तों मैप वगैरह देख के हो चुका है, यहाँ पर पहले चेकिंग करनी होती है टिकट वगैरह की, तो वो दत्ता भाई वहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं टिकट की, तो वेट करते हैं थोड़ा। हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये भाई भी वीडियो निकाल रहे हैं यहाँ पर, चलिए फटाफट से चलते हैं अभी। साफ बना रहे हैं दत्ता। बस वगैरह भी है यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं लोग बस के लिए। ए स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग फर्स्ट जाने वाले कनेरी केव्स, तो उसके बाद अगर टाइम मिला ना तो हम जाएंगे यहाँ पर नेचर इंटरसेप्शन सेंटर है यहाँ पर, वहाँ पर अगर टाइम मिला तो जाएंगे। तो पहले चलते हैं अभी कनेरी केव्स। ना मैं हाथ छोड़ता
व्यू देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर का बहुत ही अच्छा व्यू है, बारिश का मौसम है। तो दोस्तों 2 किलोमीटर चलने के बाद पूरा थकने हो चुका है, देख सकते हैं पसीना पसीना हो चुके हैं। शुभम भाई तो पूरा बैठी गए यहाँ पर, पूरा थकान हो चुके हैं बहुत दिनों बाद साइकिलिंग कर रहे। तो अभी थोड़ी देर के बाद फिर से चलते हैं, पूरा थकने हो चुका है। यहाँ पर पीछे नींबू शरबत वगैरह सब मिल रहा है, तो अभी हम नहीं पीने वाले हैं, हम लोग अभी सीधा वहाँ पर जाके कुछ खाएंगे नहीं तो पियेंगे। तो चलिए थोड़ा वेट करते तो दोस्तों यहाँ पर से दिखना स्टार्ट हो चुका है कनेरी केव्स, देख सकते हैं आप ऊपर पहाड़ पे लोग भी खड़े हैं। तो फटाफट से जाते हैं, बारिश भी आने की लग गई यहाँ पर, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अभी आगे। दो राइडर तो निकल चुके हैं, आप उन पीछे पड़ गए, तो चलो फटाफट से चलते हैं। सब लोग ने यहाँ पर साइकिल पार्क कर दी अब अपनी, हम लोग भी रुकते हैं अभी यहाँ पर। दोस्तों आगे आगे हम लोग ने अभी साइकिल यहाँ पर पार्क कर दी है, अभी यहाँ पर से हम आगे चल के जाने वाले, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा आगे अब यहाँ पर नींबू पानी का भी शॉप है, तो पहले नींबू पानी पी लेते हैं, तो चलिए चलते। शुभम भाई ने ले लिया है नींबू पानी, और ये यहाँ पर दत्ता भाई का भी आ चुका है नींबू पानी, मैं भी लेता हूँ 20 रुपया ग्लास है दोस्तों, तो अगर आप आए तो पी सकते हैं यहाँ पर से। दत्ता भाई ने खत्म भी कर दिया है पूरा। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये टर्न, इस टर्न पे दोस्तों बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, जो जहाँ पर हमने साइकिल पार्क की वो भाई बता रहे थे। तो अगर आप बिगिनर से तो वहाँ पर पहले साइकिल पार्क करना, तो साइकिल आपको लेके नहीं आना है यहाँ पर, अगर आप आते हो तो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वो भाई बता भी रहे थे हमें। तो देख सकते टर्न किस तरीके का है, ये पूरा टर्न ही है यहाँ पर। तो चलिए अभी चलते फटाफट से आगे। तो दोस्तों ऊपर आ चुके हम लोग यहाँ पर से, यहाँ पर से सब स्टॉल लगे, काकड़ी वगैरह है, देख सकते क्या क्या है, पूरे शॉप लगे यहाँ पर से। तो अभी आगे से गेट है, तो चलते हैं पहले गेट पे जाते हैं, और ऊपर जाने का अभी पहाड़ पे पूरा। भुट्टे वगैरह सब है यहाँ पर, मक्के देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर से पहुँच चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कनेरी केव्स, कनेरी लेनी। तो यहाँ पर से ऊपर जाते हैं, ऊपर टिकट वगैरह ऊपर है लगता है लेना, तो पहले ऊपर चलते हैं अभी यहाँ पर से। टिकट काउंटर दिखना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो टिकट लेते हैं, पहला देखते कितना प्राइस है टिकट का, 35 रुपीज है शुभम भाई बोल रहे, तो देखते कितना टिकट है। चलो टिकट निकालते फिर, कौन है कि नहीं अंदर, कितना है टिकट, 25 रुपीज है दोस्तों पर पर्सन। शुभम भाई ने बोला था वो गलत साबित हुआ है यहाँ पर, तो टिकट लेते पहले, टिकट दिखा हुआ शुभम भाई यहाँ पर, ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके का टिकट है, QR वगैरह सब है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर से, चलो टिकट भी चेक हो चुका है यहाँ पर से स्टार्ट। यहाँ पर भी एक मैप है पूरा केव्स का, तो यहाँ पर से मैप है दोस्तों पूरा, हाँ तू जा इधर से,
तो चलिए अभी चलते हैं आगे। डू नॉट क्लाइम। साहब यहाँ पर स्टूडेंट्स ही दिख रहे ज़्यादा करके। तो चलिए यहाँ पर से अभी ऊपर जाना है, ऊपर वहाँ पर पहली गुफा दिख रही है, वहाँ पर पहले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर से फटाफट से ऊपर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए चलते हैं, बारिश भी स्टार्ट हो गई थोड़ा हल्का हल्का। इन लोग भी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों लोग की भी कुछ साजिश है दूसरे गुफा में घुसने की। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर बारिश देखो, थोड़ी धीमी धीमी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। फोटोग्राफी वगैरह सब चालू है यहाँ पर, यहाँ पर से दिखना स्टार्ट हो चुके दोस्तों। अंदर जाने के लिए दोस्तों अलाउड नहीं है लगता है, यहाँ पर बंद करके रखा है। अरे चल ना गेट पर, अंदर जा सकते हो ना। चल तो चलिए गेट तक जाके आते हैं, अभी दत्ता भाई भी बोल रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है K1 लेनी वन, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, तो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरा गेट भी दिखा देता हूँ किस तरीके का है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी ऊंचाई है यहाँ पर, पूरा गेट के करीब जाके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। बंद करके रखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर डाला है लॉक, अंदर पूरा अंधेरा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, आगे गुफा नंबर 2 पर फोटो पॉइंट है लगता है ये। तो सब फोटोग्राफी चालू है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर गुफा नंबर 2, यहाँ पर भी अंदर जाके आते दोस्तों। तो चलिए चलते ऊपर, इसका भी इन्फॉर्मेशन है, वो भी थोड़ा देख लो पहले, फिर आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर से पहले इस साइड जाते, देख सकते हैं। अंदर कुछ ना कुछ बना हुआ है दीवार पे, मैं भी फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रहा हूँ दोस्तों। इन दोनों की फोटोग्राफी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, इस साइड अभी क्या है वो देखते हैं। शुभम भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर, दोस्तों देख सकते हैं करीब से क्या बना हुआ है, अभी समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही पुराने ज़माने का है। ये गुफा नंबर 2 है दोस्तों, और ये 2 शेर है गुफा में। और क्यों नंबर 4 है यहाँ पर, क्या बोलती पब्लिक। तो दोस्त लोग मिले थे यहाँ पर अपने अपने नहीं थे, लेकिन दोस्त लोग ये समझ लो आप। तो 1-2 केव नंबर अपन ने देख लिए, अभी यहाँ पर है 3rd और 4th केव, तो वो भी देख लेते फटाफट से। तो चलिए 3 नंबर में जाते पहले, फिर उसके बाद जाएंगे हम ऊपर। तो यहाँ पर से है 3 नंबर केव, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो चलते हैं अंदर, इसकी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, वो भी दिखाता हूँ आपको, तो पढ़ लेना आप दोस्तों। ये देखिए, तो पहले सीधा अंदर जाते हैं। अंदर से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, पूरा इको सिस्टम है यहाँ पर, जो बोल रहा हूँ पूरा इको हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पूरा पहाड़ के अंदर खोद के बनाया हुआ है।
पिलर देख सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी हाथी वगैरह सब निकाल के रखा हुआ है पहले के लोगों ने। हाथी है और क्या क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ रहा है वो क्या क्या बनाया हुआ है तो कमेंट करना दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर स्टैचू है, शुभम भाई बोल रहे हैं वो गौतम बुद्ध का स्टैचू है, ये देखिए दोस्तों। कसले शुभम? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्धा चे शुभम बोल रहे हैं गौतम बुद्ध के। अभी कुछ मूर्ति बनाई हुई है, ये भी कौन है क्या पता नहीं अपने को। तो चलिए आगे, और यहाँ पर भी राइट साइड में है केव में, थोड़ा 3 नंबर केव ये दिखा रहा हूँ मैं पूरी आपको। यहाँ पर भी है सब, ये अंदर क्या कौन से रूम है क्या पता, सब लॉक करके रखे है दोस्तों, देख सकते हैं सब इधर ऐसे लॉक करके रखा हुआ है। तो अभी फटाफट से जाएंगे, अभी हम लोग 4 नंबर पे, 4 नंबर केव में। तो चलिए चलते फटाफट से। तो 3 नंबर में अपन जाके आए अभी, तो 4 नंबर में जाते हैं अभी। ये रही 4 नंबर केव, यहाँ पर से फटाफट से जाते हैं, टाइम भी दोस्तों कम पड़ गया दोस्तों, हम लोग लेट आए थे ना अपन। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर केव, अंदर पूरा मूर्ति बनाया हुआ है यहाँ पर भी, ये देखिए किस तरीके का दोस्तों ये आर्ट है, देख सकते हैं पूरा गुफा के अंदर बनाया हुआ है। तो इतनी है 4 नंबर केव, तो चलिए अभी ऊपर जाते हैं फटाफट से यहाँ पर। तो चलिए अभी चलते ऊपर यहाँ पर से फटाफट। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों अपन कितना ऊपर आ चुके हैं, व्यू देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं आप लोग। फोटोग्राफी चालू है यहाँ पर। ये रही केव नंबर 5, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कुछ अंदर है, पानी है दोस्तों अंदर, बंद करके रखा है यहाँ पर केव नंबर 5। और यहाँ पर से झरना बह रहा है नीचे, ये देखिए दोस्तों आगे का व्यू। और आगे की केव देखने है तो अपने को यहाँ पर से आगे जाना चाहिए, केव नंबर 6 to 11 यहाँ पर से आगे। तो चलिए जाते स्ट्रेट यहाँ पर से। तो चलिए अभी देखते 6 से 11 नंबर के केव आगे हैं यहाँ पर, ये पहले यहाँ पर दिख रही है 6 नंबर की केव। तो फटाफट अभी दोस्तों एक्सप्लोर करना है, तो दोस्तों अभी यहाँ पर से फटाफट एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, 5 बजे यहाँ से रिटर्न जाना है। ये देखिए 6 नंबर केव, ऊपर जाने दोस्तों अभी टाइम नहीं अपने पास, अभी इसके अंदर जाते ऊपर। ये यहाँ पर 7 नंबर केव, और यहाँ पर झरने पे एंजॉय कर रहे, 7 नंबर केव देखते हैं यहाँ पर से। कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ पर भी ज़्यादा, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर घूमना है तो सुबह 9 बजे आना पड़ेगा, तभी आप पूरा घूम सकते हैं। हम लोग दोपहर में आए, इसके लिए आप पूरा एक्सप्लोर कर नहीं पा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी ये 8 नंबर केव, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ टाकी अंदर टाकी जैसा बना हुआ है। तो ये 8 नंबर थी, ये वाला थोड़ा साफ लग रहा है, ये मुझे लग रहा है 9 नंबर केव है, इसमें भी पानी है दोस्तों अंदर, ये देखिए पानी के गटारे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों व्यू। गारगार वाटते शुभमला, गारगार वाटते वहाँ पर दोस्तों, जाने के लिए अलाउ भी नहीं है और रास्ता भी नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, तो बाहर से देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फटाफट। तो यहाँ पर से भी सीढ़ी बनाई हुई है चढ़ने के लिए,
ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर केव है यहाँ पर से। तो पहले 11 नंबर केव देख लेते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से स्टार्ट है दोस्तों, यहाँ पर भी टाकी बनी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी सब बंद करके रखा हुआ है अंदर। नहीं, यहाँ पर से एक दरवाजा खुला है, देखिए दोस्तों अंदर बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं। कौन सा रूम है क्या पता नहीं चल रहे है। ऐसा लग रहा है पहले के लोग यहाँ पर खाना खाते थे बैठ के। ये टेबल टाइप है दोस्तों, यहाँ साइड में बैठते होंगे क्योंकि ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पर। और ये छोटे छोटे रूम है, टॉर्च लगा दे और मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, ये पानी बाउंसर से पूरे छोटे छोटे रूम है अंदर। ये सब रूम बनाए हुए हैं, आपको दिख नहीं पा रहे हैं अंदर, अंधेरा बहुत है दोस्तों यहाँ पर, लाइट ही नहीं है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों ये खाना खाने का ही रूम था, क्योंकि बैठने के लिए ये जगह है और पर रखते हो गए यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा रूम है दोस्तों, और यहाँ पर बीच में ही उनके रूमों के फिर से एक यहाँ पर गौतम बुद्ध का स्टैचू है दोस्तों, देख सकते हैं। क्लियर तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये राइट साइड, और यहाँ पर भी एक स्टैचू है गौतम बुद्ध का। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए बाहर चलते हैं और ऊपर, और थोड़ा ऊपर जाते हैं। यहाँ पर से कुछ लोग तैर रहे भी यहाँ पर पूरा, वहाँ पर 12 नंबर केव है उसमें जाते। तो भाई लोग ने यहाँ पर पानी रुका के रखे है, देख सकते हैं पानी रुका के रखे भाई लोग ने। तो चलिए 12 नंबर केव में जाते हैं। ये रही दोस्तों यहाँ पर से 12 नंबर केव। तो यहाँ पर भी बंद करके रखा है, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो इसके भी इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप पढ़ लेना। ये देखिए यहाँ पर भी अंदर कुछ रूम टाइप बना हुआ है, उसमें भी कुछ मूर्ति है अंदर, वो भी मुझे लगता है गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये देखिए दोस्तों, क्लियर तो नहीं दिख रही है मगर ये देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, ऊपर देख सकते हैं का बच सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना ऊपर आ चुके हम लोग, क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर। तो चलिए आगे भी बहुत सारी केव्स एक्सप्लोर करना है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। पर पानी रुका के रखा है, अभी छोड़ने वाले हैं भाई पानी। ये देखिए यहाँ पर जो पूरा फव्वारा ही बना लिया भाई ने, कलाकारी देख सकते हैं भाई लोग। तो चलिए फटाफट से आगे देखते हैं केव्स। फोटोग्राफी चालू है यहाँ पर, तो वहाँ पर से केव नंबर 32 दिख रहा है दोस्तों। अभी क्या पता कहाँ से कहाँ जाना है, तो जो जो मुझे मिल रहा है मैं आपको बताते जाता हूँ फटाफट से। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर से 19-30 यहाँ पर से केव्स है, और बाकी का 31 से लेके, देख सकते हैं 31 से लेके पूरा 41 तक आगे। तो अभी मैं आपको इतनी नहीं दिखा सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आएंगे ना पूरा दिन भी, आपको पूरा दिन लग जाएगा दोस्तों अगर आपको देखनी है पूरी केव्स। तो अभी यहाँ पर से जाते हैं अभी नीचे, फिर तो अभी 12 नंबर की केव दिखाया था और ऊपर दिखाया मैंने आपको कौन कौन सी केव्स थी। तो अभी 13-2 आगे वो वाली देख लेते हैं, और बाद में अपन नीचे जाएंगे फिर से, और कुछ देखने मिला तो एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो फिर वैसे भी टाइम ख़त्म ही हो रहा है अपना। तो यहाँ पर से 13-18, तो चलिए फटाफट से ऊपर जाते हैं और 13-18 देखते हैं केव्स। तो दोस्तों यहाँ पर से दिखना स्टार्ट हो चुके हैं केव्स। तो वहां पर से है 14 नंबर केव, तो उसमें जाते पहला। 13 नंबर दिख रहा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो पहले 14 नंबर ही दिखा लेता हूँ। ये देख सकते हैं 14 नंबर केव,
और ये उसके बाजू में 15 नंबर के रूम, पूरा रूम टाइप बनाया हुआ है दोस्तों। तो चलिए, पूरा थकने हो चुका है ऊपर चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पर 16 नंबर के यहाँ पर भी रूम है। थर्टीन नंबर की हो दोस्तों, मुझे दिखी ही नहीं यहाँ पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर से 17 नंबर की है यहाँ पर, इसमें भी अंदर जाते हैं, दिखाता हूँ अंदर भी क्या है। ऐसा लगता है ये सब बैठने की जगह थी उनकी, जो लोग थे यहाँ पर उनकी। और ये एक छोटा सा कमरा, यहाँ पर से पूरा टूट चुका है। तो चलिए चलते हैं, अभी आपको दिखाया मैंने अभी 14-18 नंबर की केव्स। 13 नंबर वाली अपने को दिखी ही नहीं, कहा कि क्या पता नहीं मुझे भी, और इन दोनों को भी नहीं दिखी। ये अपने दो लोग हैं ना साथ में, क्या नाम भी भूल गया इनका मैं, इनको भी नहीं दिखी। तो चलिए फटाफट से अभी नीचे जाते, अपन थोड़ा लेट आए दोस्तों। अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सुबह आ जाना 6-9 बजे, तो आप यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए नीचे जाते अभी फटाफट से, फिर नीचे मिलता हूँ मैं आपको। दोस्तों नीचे आने के बाद थोड़ी भूख लगी थी, तो अभी हम लोग यहाँ पर से ले रहे हैं मक्का, जिसका प्राइस है 40 रुपीस। और ये शुभम भाई ने लिए ककड़ी, कितना प्राइस है शुभम? 20 रुपए। और यहाँ पर है दूसरा, उसका 20 रुपए। तो मैं भी थोड़ा ककड़ी खाता हूँ। दोस्तों ले लिया हमने अभी यहाँ पर से, ये भुना हुआ मक्का है, और यहाँ पर से इन्होंने लिया है उबला हुआ मक्का। तो अभी खाते हैं और फटाफट से साइकिल के पास जाते हैं और निकलना है यहाँ पर से। तो चलिए खाते हैं इससे पहले। A few moments later. तो हम लोग पहुंच चुके हैं गेट पर। आते टाइम दोस्तों बहुत जोर की बारिश हुई, और बारिश रुक रही नहीं, तो अभी हमको भीग के आना पड़ा। तो दोस्तों आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, चलो बाय बाय।